तोड़ दिया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। खरगोन बड़वानी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 19 मई को मतदान होना है, इसके लिए प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी के चलते खरगोन जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यालय पर अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष फग्गन सिंह फुलस्ते ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। शायद राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, परंतु ट्राइबल के इस कानून के बारे में, ट्राइबल के बारे में अभी शायद उनको जानकारी नहीं। अभी भी आदिवासी जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। कानून है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था, उनने ये कहा कि अतिक्रमण करने वालों को रोका जाए, उनको बेदखल किया जाए। अतिक्रमण का परिभाषा उसको पता नहीं है। ये ऐसा कहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि जिनको हमने अधिकार पत्र दिए, जो वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, उनको जो हमने पट्टा वितरण किया है, उनको बेदखली का कोई उसके अंदर कोई जिक्र नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी भी आदिवासी को बेदखली नहीं किया जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। पूरे देश भर में इस प्रकार की स्थिति है। ये जो इनके पास ये केवल यही आधार बना रहे, और इसलिए आदिवासियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, विशेषकर फॉरेस्ट के विषय को लेकर, फॉरेस्ट राइट को। देखिए ऐसा है, कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह सकता हूं, अभी आकलन कराया उन्होंने, मैं तीन प्रदेशों के अंदर मैं व्यक्तिगत तौर से गया, हमने आकलन किया और 22 हमारा लक्ष्य है। जब हम 22 का लक्ष्य को पूरा करने का गरीबी की दृष्टि से हमारा उद्देश्य था कि आज़ादी के 75 साल कब होंगे, 22 में हमारा लक्ष्य है कि हम 75 में, जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे, तो आत्मसम्मान के साथ गरीब भी खड़ा हो सके इस भारत में। और इसलिए उनने आकलन कराया कि मूलभूत चीज़ें बिजली, पानी, रोड, रास्ता, शिक्षा और स्वास्थ्य, कोई भी ऐसा गरीब आदमी बिना मकान के झोपड़पट्टी में ना रहे, ये कुछ मापदंड थे। और इसलिए उनने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये कौन रहने वाला है 22 तक, ये कांग्रेस के शब्द थे। राहुल गांधी जी को ये बात विचार करना चाहिए, चुनाव आज हो रहे हैं, चुनाव का ये 19 तारीख को पूरा हो जाएगा, और इसके बाद इस देश की जनता फैसला करेगी, खरगोन के लोग फैसला करेगी कि इस देश में राज अब कौन करने वाला है। अगर हमने गरीबों के लिए कमिटमेंट किया है, एक लक्ष्य को लेकर के बड़े दूरदृष्टि से विचार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई सपना भारत के अंदर गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, देखिए उनका अपना विषय है कितना समझ पा रहे हैं, परंतु इस डिबेट की क्या स्थिति बनेगी मैं नहीं कह सकता, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि आदिवासियों के बारे में जो कुछ भी वो कह रहे हैं, मुझे लगता है हम लोगों से ज़्यादा आदिवासियों के बारे में कोई देश भर में नहीं जानता। और इसलिए मैं आज भी कह रहा हूँ कि आदिवासियों की मान सम्मान प्रतिष्ठा और उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा को स्थापित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोगों की बातचीत होती है इस विषय को लेकर, और स्थापित करना, उनको संरक्षण देना, ये हमारा कर्तव्य है। और इसलिए मैं दूसरे के बारे में कहना कठिन है, परंतु मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आदिवासियों के साथ में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, ये आज मैं कह रहा हूँ। देखिए किसानों के बारे में मैंने जो अनुभव किया है, एक भी कोई उदाहरण आप बता दीजिए कि किसके खाते में पैसा, 21 लाख किसानों की बात कर रहे हैं जिनको सर्टिफिकेट दिया है, उनके खाते में पैसा गया या नहीं गया। 50% राशि का उन्होंने उल्लेख किया, 50% राशि बैंक संबंधित जो भी है वो उसको पूरा करेंगे, क्या ऐसा संभव है? क्या ये कौन सी ऋण माफी की योजना है? मुझे लगता है कि ये गुमराह करने वाला विषय है, और इसलिए ये आप, मैं कह सकता हूँ अगर इसको होगा सर्टिफिकेट, जिनने बांट दिया, जिनको सर्टिफिकेट दिया किसानों को, अगर उनके खाते में पैसा नहीं गया, तो इससे बड़ा पाप।